24 घंटे 20 छापे एक प्लान। तेल का खेल अब होगा खल्लास। बनारस से बुलंदशहर, एटा से आजमगढ़, खत्म होगा पेट्रोल चोरी का पावर प्ले। अब पेट्रोल नहीं जलाएगा आपकी जेब, जो कि शुरू हो गया है क्राइम पेट्रोल पर रेड अलर्ट। नमस्कार, मैं हूं सचिन। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में कई पेट्रोल पंप पर रेड हुई है। पेट्रोल पंप पर तेल चोरी रोकने के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। यह खबर इस वक्त की बड़ी खबर है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी बड़ी खबरें जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो भी हम इस बुलेटिन में बात करेंगे। दूसरी खबर कौन सी होगी? जहां दूसरी खबर मुंबई और यूपी से हुई आईएसआई के एजेंट की गिरफ्तारी से जुड़ी है, जिससे खुलासा हुआ कैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान में आतंकी नई पौध तैयार कर रहा है। और तीसरी खबर तीन तलाक से जुड़ी हुई। यह बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि इस बार पति ने नहीं बल्कि महिला ने अपने शौहर को तीन तलाक दे दिया। तो सबसे पहले पहली खबर आपकी जेब से जुड़ी हुई है, क्योंकि चोरी रुकेगी, पेट्रोल नहीं जलाएगा आपकी जेब, इस पर नजर डालिए। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पंप पर चिप लगाकर जो तेल का खेल चल रहा था, अब वो खेल खल्लास होने वाला है, क्योंकि बीते 24 घंटे में प्रदेश के 20 जिलों में कई पेट्रोल पंप पर रेड डाली गई। शहर के शिवपुर पेट्रोल पंप पर एडीएम रेवेन्यू के नेतृत्व में एक टीम ने रेड डाली। जांच के दौरान केसरी फिलिंग स्टेशन में कई कमियां मिली। सहारनपुर के थाना सदर बाजार के कोर्ट रोड स्थित पेट्रोल पंप पर डीएमओ और एसडीएम ने रेड डाली और पेट्रोल चोरी का खुलासा किया। सुल्तानपुर जिले में जिला अधिकारी के डायरेक्शन में बनी टीम ने तीन पेट्रोल पंपों की जांच की, जिसमें एक पेट्रोल पंप की दो मशीनों को सीज किया गया है। आगरा में शहर के एक पेट्रोल पंप पर एसटीएफ ने रेड डाली। प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के आदेश पर अलीगढ़ में तेल चोरी को लेकर कई पेट्रोल पंप पर रेड डाली गई। हापुड़ में भी दो पेट्रोल पंपों पर प्रशासन ने छापेमारी की, हालांकि किसी तरह की गड़बड़ी नहीं मिली। एटा में भी जिला अधिकारी निर्देश पर टीम ने कई पेट्रोल पंप पर छापेमारी की और तीन जगहों पर पेट्रोल चोरी की। नोएडा में एसएसपी और डीएम ने एक साथ कई पेट्रोल पंपों पर छापेमारी की और एक पेट्रोल पंप पर कुछ खामियां दिखी। मुरादाबाद में एक पेट्रोल पंप पर छापे के दौरान पंप की मशीनों में चिप लगी पाई गई। आजमगढ़ में भी छापेमारी के दौरान पेट्रोल के नाप में कमी पाई। हाथरस में डीएम ने एक पेट्रोल पंप पर छापा मारकर खुद चेकिंग कराई। मेरठ में पुलिस और प्रशासन की टीमों ने कई पेट्रोल पंप पर छापेमारी की। बलरामपुर में एसडीएम के नेतृत्व में एक टीम ने कई पेट्रोल पंप पर रेड डाली, मशीनों को खोलकर मदरबोर्ड और सील की जांच की। ललितपुर में जिले भर के सभी पेट्रोल पंपों की चेकिंग के लिए गठित टीम ने जांच शुरू कर दी है। पीलीभीत में एसडीएम के नेतृत्व में अधिकारियों ने कई पेट्रोल पंप पर छापा मारा, हालांकि किसी भी पेट्रोल पंप पर गड़बड़ी नहीं मिली। बलिया में डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर के नेतृत्व में छापेमारी हुई और गड़बड़ी पाए जाने पर दो पेट्रोल पंप को सीज कर दिया गया। शाहजहांपुर में छापेमारी के दौरान खुलासा हुआ कि 45 पेट्रोल पंप बिना किसी लाइसेंस के चल रहे हैं। लखनऊ में कुछ पेट्रोल पंप पर चिप से पेट्रोल चोरी के खुलासे के बाद अब तक यह सबसे बड़ा ऑपरेशन है।
इन जिलों में रेड डालने वाले अधिकारियों ने आगे भी ऐसी कार्रवाई करने की बात कही है। इंस्पेक्शन हो रहा है और शासन के निर्देश पे व्यापक स्तर पे हो रहा है। इस जिले में हमने 3 टीमें गठित की हैं, जिसमें 5-6 अधिकारी विभिन्न विभागों के हैं। ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी और जनपद के जितने पेट्रोल पंप हैं सबकी चेकिंग की जाएगी। उसमें जिस भी मशीन में चिप आई जाएगी उसको जो है सील कर दिया जाएगा। यानी तेल का खेल करने वालों के बुरे दिन बंद नहीं हुए हैं और आम जनता के लिए ये सुकून देने वाली खबर है, क्योंकि पेट्रोल चोरी रुकेगी तो आपकी जेब नहीं लुटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।